हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, मैं आपके लिए ई गवर्नेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। यह एमपीपीएससी के लिए नया सिलेबस में जोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों, ई गवर्नेंस से 2-3 क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है, तो आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों को शेयर करना है और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों, मैंने ई गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस अपने इस चैनल पर डाल रखा है और कंप्यूटर के भी प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखा है, तो आप जाकर मेरे प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी बटन को दबा दे, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक रोचक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे आज हम ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस जो है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एमपीपीएससी के लिए। तो दोस्तों, ई गवर्नेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी में कि ई गवर्नेंस का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों, ई गवर्नेंस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, जिसके अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो व्यापारियों, सिटीजन्स और बिजनेस और इसके अलावा कर्मचारियों से कैसे संपर्क स्थापित करके प्रशासनिक सेवाओं को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, ई गवर्नेंस का अर्थ में, ई गवर्नेंस में ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक है, जहां पर सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए गवर्नमेंट जनता से जुड़ती है और उनकी समस्याओं का त्वरित निपटान करती है। इसके अलावा दोस्तों, ई गवर्नेंस जो होता है यह प्रशासनिक सेवाओं को दक्ष बनाने का एक माध्यम है। अब हम बात करेंगे ई गवर्नेंस की परिभाषाओं की। तो ई गवर्नेंस जो होती है दोस्तों, यह सार्वजनिक कार्रवाई को 3 इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा करती है। इसके अलावा दोस्तों, ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करना, ताकि वो नई नई सूचनाओं से अपडेट होते रहे और सरकार की योजनाओं और मंशाओं को समझ सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दुनिया में ई गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1969 में सबसे पहले जो नेटवर्क बनाया गया था, उसे अमेरिका के आर्मी विभाग ने बनाया था, जो बाद में विकसित होकर वर्ल्ड वाइड वेब का रूप ले चुका है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है यह ई गवर्नेंस का सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूप है और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में WWW का आविष्कार किया। यह डेटाबेस का सुपरसेट है, जो कि विश्व के सारे डॉक्यूमेंट्स को, विश्व के पूरे देशों के डॉक्यूमेंट्री सिस्टम को एक हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़कर रखता है। WWW जो है दोस्तों, यह विश्व के सारे कंप्यूटरों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है, जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क या संजालों का संजाल इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट जो है वर्तमान समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आगे चलकर ई गवर्नेंस का रूप लिया। ई गवर्नेंस जो है वह मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवाओं को नियंत्रित करने का सेपरेट नेटवर्क है। अमेरिका में अमेरिका ने ई गवर्नेंस को दिसंबर 2002 में ही इसके लिए एक अधिनियम लाया था, जिसे ई प्रशासन अधिनियम 2002 के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका में ई गवर्नेंस सिस्टम कब आया। तो अमेरिका में ई गवर्नेंस सिस्टम 2002 में आया, दिसंबर 2002 में आया। इसके अलावा दोस्तों, देश विदेश में अनेकों ऐसे संस्थान हैं जो ई गवर्नेंस के माध्यम से कंट्रोल होते हैं और जुड़े हुए हैं। तो ई गवर्नेंस जो है यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के विकास की कुंजी है, जिसकी पूरी व्यवस्था जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा ई गवर्नेंस का अर्थ। ई गवर्नेंस का अर्थ ही होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं को कंट्रोल करना और सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको ई गवर्नेंस की श्रेणियों के बारे में बताऊंगा। ई गवर्नेंस की श्रेणियां जो होती है दोस्तों, मुख्य रूप से इसे 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला होता है G2G। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि G2G का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार जो होती है वह अपने विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल करती है। जैसे कि सरकार का ही खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय कृषि मंत्रालय से अगर संपर्क करेगा, तो उसे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, G2G
जी टू सी ई गवर्नेंस होता है। जी टू सी ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार जो है जनता से संपर्क करती है। इसके बाद में होता है दोस्तों जी टू बी, जनता से गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो गवर्नमेंट होती है वह व्यवसायिक लोगों से विभिन्न प्रकार से संपर्क स्थापित करती है और ऑनलाइन ट्रेडिंग और सीमा और उत्पाद शुल्क और जीएसटी की जानकारी देती है। इसके बाद में मैं अब आपको जी टू ई के बारे में बताऊंगा। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है जी टू ई का पूरा नाम क्या होता है, तो जी टू ई का पूरा नाम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई होता है। इसमें सरकार जो होती है अपने कर्मचारियों से विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। इसके बाद में जी टू सी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जी टू सी यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट जो होती है वो सिटीजनों से सीधे संपर्क स्थापित करके उनकी ऑनलाइन समस्याओं का निपटारा और पंजीयन करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ई गवर्नेंस की विशेषताएं। तो ई गवर्नेंस एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इसका नेतृत्व जो है प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और सरकारी विभागों और अभिकरणों से संबंधित सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित की जाती है। ई गवर्नेंस की मूल अवधारणा बेहतर प्रशासनिक सेवाओं को उपलब्ध करवाना है। यह अभिशासन की स्थापना की एक पद्धति है जिसमें कि हम कागज का उपयोग न करते हुए भी सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं। ई गवर्नेंस जो है यह टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभव हुआ है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है जो प्रशासन में दक्षता को लाने का प्रयास करता है। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, जैसे ई गवर्नेंस के लाभ जो होते हैं दोस्तों, इसमें हमें समय की बचत होती है, लागत कम आती है, यह कागज रहित होती है। इसके अलावा सरकारी विभाग जो है इसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, विकास परक और कार्यात्मक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, पंजीकरण सुविधाएं होती है, दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज सकते हैं, ऑनलाइन मंडी नीलामी और बिल जमा सुविधा भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे ई गवर्नेंस के जोखिम और आलोचना। तो दोस्तों ई गवर्नेंस में बहुत सारे जोखिम भी होते हैं। इसमें जो जनता होती है उनकी प्राइवेसी भंग होती है और आलोचना के अंतर्गत आता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को ई गवर्नेंस का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और यह इंटरनेट प्रणाली पर बेस्ड प्रणाली है। इस वजह से भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जैसे पहाड़ी इलाका, दलदल इलाका, या फिर हम बात करें जैसे छिंदवाड़ा का पातालकोट एरिया, इस तरह के जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं नहीं पहुँच पाई है। तो वहाँ पर ई गवर्नेंस का महत्व जो है वो महत्वहीन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अब आगे अत्यधिक निगरानी। तो दोस्तों ई गवर्नेंस को चलाना एक टेक्निकल पर्सन का काम है, तो इसके लिए अत्यधिक निगरानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें हैकर जो है अटैक करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, लागत भी ज़्यादा होती है दोस्तों। ई गवर्नेंस के लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना होता है जिसके लिए आपको हाई क्वालिटी का हाई मेगापिक्सल का कैमरा लगता है। इसके अलावा उच्च क्वालिटी का स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि रिकॉर्डर लगता है। इसके अलावा माइक्स लगते हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए एक अच्छे ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों इस पर सभी की पहुंच भी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों तकनीकी उपकरणों की मुश्किल से प्राप्ति, अगर आपका कैमरा ख़राब हो जाता है तो फिर आपको नया कैमरा लाने के लिए जबलपुर या भोपाल जाना पड़ेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आते रहती है। इसके अलावा पारदर्शिता व जवाबदेही का असत्य बोध। तो दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया में सरकारी पारदर्शिता द्विअर्थी प्रतीत होती है। सरकार जो है इसे स्वयं नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क शहर में 11 दिसंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हो गया था, जिससे सरकारी वेबसाइट में राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण इस सूचनाओं को हटाना पड़ा था, जिससे कि वहां का ई गवर्नेंस सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसे हमें फिजिकली सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है। इसके बाद में मैं आपको दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ई गवर्नेंस के ऊपर अटैक न्यूयॉर्क शहर में कब किया गया था, तो 11 सितंबर 2001 को किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत में ई गवर्नेंस की। तो भारत में भी ई गवर्नेंस काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। वर्तमान समय में सारी मंडियां और सारे सहकारिता वितरण केंद्र यानी कि सारी सोसाइटियां ऑनलाइन हो चुकी है। वहां पर आप जाते हैं तो आपको अंगूठा लगाना पड़ता है, तभी आपका जो अनाज है आपको दिया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है और बहुत सारे फायदे भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ई गवर्नेंस के उद्देश्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ई गवर्नेंस के उद्देश्य जो होते हैं वो सरकार के निर्णयों में सुधार करना, सरकार के लोगों में विश्वास की वृद्धि करना, सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना, सूचना युग में नागरिकों की इच्छाओं को फुलफिल करना, इसके अलावा नाई की सूचनाओं को
सरकारी संगठनों, व्यवसायिक और इच्छुक नागरिकों को प्रभावी रूप से शामिल करना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है, यहाँ मेंस के लायक जानकारियाँ दी हुई है, लेकिन आपको यहाँ प्री के लिए फैक्ट को उठाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे ई गवर्नेंस की विशेषताओं के ऊपर। तो ई गवर्नेंस जो होता है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ई गवर्नेंस की उपयोगिता के ऊपर। तो दोस्तों ई गवर्नेंस जो होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वो जो है देश विदेश के घटनाक्रम को आसानी से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से हम योजनाओं और दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव रख सकते हैं। इसके अलावा सूचना का अधिकार और ई प्रशासन मिलकर ही देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न योजनाओं की जानकारी जो होती है आम आदमी को मिल जाती है और वो उससे लाभान्वित होता है। इसके अलावा ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में भी ई गवर्नेंस का महत्वपूर्ण योगदान है और सूचनाएं व्यक्ति को सीधे पहुंचती है, बिचौलियों से पूछना नहीं पड़ता और बाबूगिरी खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 के ऊपर। तो भारत में द्वितीय प्रशासनिक आयोग कब आया, तो ये कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी के लिए सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो है ये 2005 में इसकी नियुक्ति की गई। ये जो है एक मंत्रालय है जिसकी जो नियुक्ति है भारत में 2005 में हुई और इस आयोग को नियुक्त करने में भारत सरकार ने लोक प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करी। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे आयोग की मदद के लिए सरकार विभिन्न स्तर पर जवाबदेही उत्पन्न करवाती है। इसके अलावा इस पर अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का जनता तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस की क्षेत्र में मजबूत पहल करते हुए सरकार ने 27 दिसंबर 2011 को आया था इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011। तो दोस्तों ई गवर्नेंस के क्षेत्र में मजबूत पहल करते हुए भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2011 को इलेक्ट्रॉनिक लोक सेवा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 पास किया, जो कि 27 दिसंबर 2011 को आया। इस डेट को आपको बिल्कुल रट डालना है। इसके अलावा दोस्तों उसके लिए एक आशा हुई कि अब हमारे देश में लोक सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों ने विभागों के सेवाओं की एक ऐसी सूची जारी करनी होगी जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से 128 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर 20,000 तक का दंड दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फार्म एवं आवेदन पत्रों की प्राप्ति, लाइसेंस जारी करना, अनुमति पत्र, परमिट व सर्टिफिकेट व प्रतिबंध व अनुमोदन व धन की प्राप्ति व धन का भुगतान इंटरनेट के माध्यमों से किया जा सकेगा। वर्तमान समय में जो मनरेगा योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चल रही है दोस्तों, इसके सारे कार्य जो है वो ऑनलाइन किए जाते हैं। यह भी ई गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण भाग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ई गवर्नेंस जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ, तो दोस्तों ई गवर्नेंस की वैसे तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है तकनीकी चुनौती। दोस्तों भारत में ई गवर्नेंस को परफॉर्म करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए तकनीकी चुनौतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो है ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं है, ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है और विभिन्न प्रकार के मानक प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे कि 4G भी बहुत स्लो चलता है यहाँ पर दोस्तों, फिर भी हमें काम करना है तो चलाना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों भारत में तकनीकी चुनौतियाँ काफ़ी और लोगों को टेक्निकल नॉलेज काफ़ी कम होता है। वो लोग बस थ्योरी नॉलेज लेते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके बाद में है संगठनात्मक चुनौतियाँ। तो दोस्तों ई गवर्नेंस को चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों और सक्षम कारीगरों की जरूरत पड़ती है, या अधिकारियों की, या लड़कों की, या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश में दूरदर्शिता के अभाव के कारण बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं, टेक्निकल कोर्स नहीं करते हैं, जिसके कारण संगठनात्मक चुनौतियां आती है। और इस तरह से ई गवर्नेंस को मैनिपुलेट करने में कई लोगों को, कई पुराने बाबुओं को, अधिकारियों को कंप्यूटर चलाते नहीं आता है या अच्छा नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण कई कार्य जो है बीच में ही अटक जाते हैं, जो कि ई गवर्नेंस को धीमा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे संरचनात्मक चुनौतियों की। तो संरचनात्मक चुनौतियों के अंतर्गत उचित लैब का रखरखाव और उसमें विभिन्न चीज़ों को मैनिपुलेट करना या कंप्यूटर को दक्षता से चलाना, इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो कि संरचनात्मक चुनौतियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत में ई गवर्नेंस। तो भारत में ई गवर्नेंस के लिए लोक सेवा के सहायता से
भारत में 1990 के आरंभिक दशक में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार समिति ने नागरिकों के बीच में एक इंटरफेस के लिए ई गवर्नेंस की सिफारिश की थी, जो इम्प्लीमेंट होकर 2003 में आगे बढ़ी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न नियम लाए गए जो कि भारत में ई गवर्नेंस को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में सहायक हुए। इसके अलावा दोस्तों ई गवर्नेंस जो होता है, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है 2006 में अनुमोदित की गई। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे और परियोजनाओं के माध्यम से भारत में विभिन्न योजनाएं चालू की गई, जैसे कि हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट जो होता है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में राज्य के 6000 जन शिक्षा केंद्रों में सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए ज्ञान प्रदान करने के लिए लागू की गई एक योजना थी, जिसमें कि जो प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें हेड स्टार्ट योजना के अंतर्गत कंप्यूटर को चलाना, माउस ऑपरेट करना या कंप्यूटर पर सामान्य बेसिक नॉलेज दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे ज्ञानदूत। ज्ञानदूत भी एक महत्वपूर्ण योजना है। यह कम लागत वाली समुदाय स्वामित्व वाली ग्रामीण इंटरनेट प्रणाली है, जो कि जिलों में समुदायों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती है। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्राम संपर्क। वर्तमान समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश की इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़ चुकी है BSNL के, जिसके माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। और गांव में जो मनरेगा के जो मांग पत्र होते हैं या फिर जो भी उसका मास्टर रोल होता है, उसे ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। और वर्तमान समय में गाँव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसकी भी जानकारियों को ऑनलाइन फीड किया जाता है ग्राम के सहायक रोजगार सचिव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम ई गवर्नेंस नीति विनिर्माण और सार्वजनिक तंत्र पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सरकार द्वारा नीति निर्माण सहभागिता और लोक कार्य काफ़ी समय से जटिल प्रक्रिया रही है, इनको सरल करने के लिए ही ई गवर्नेंस को अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा सार्वजनिक तंत्र के बारे में, पब्लिक नेटवर्क। तो दोस्तों यह एक नवीन संकल्पना है, जिसमें यदि सरकार जो है लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ेगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ई गवर्नेंस को मैनिपुलेट किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों ई गवर्नेंस का जो भीतर जो निवेश होता है या जो इनपुट होता है, वह सहभागी निर्गत या पार्टिसिपेटिव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें द्विमार्गीय ऑनलाइन सूचनाओं के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे ई लोकतंत्र की। तो ई लोकतंत्र भी एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जो ई डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम सरकार को ऑनलाइन तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ई गवर्नेंस की व्यापक अवधारणा को ई लोकतंत्र या ई डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ई गवर्नेंस का उद्देश्य जो है, ये नागरिकों और सरकारों और व्यावसायिक प्रक्रमों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है, जो अधिक पारदर्शी और कम खर्चीला होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे ये विभिन्न लोकतांत्रिक क्रियाओं में ई गवर्नेंस का महत्व। तो सरकारें जो होती है, ये भी ई गवर्नेंस से ऑपरेट की जाती है। निर्वाचित अधिकारी भी ई गवर्नेंस को समझकर अपने कार्यों को उचित जिम्मेदारी से कर सकता है। और मीडिया भी जो होता है, ई गवर्नेंस के लिए बहुत सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक दल भी ई गवर्नेंस को समझ सकते हैं, और लोक समाज संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत में ई लोकतंत्र के लक्ष्य के ऊपर। तो दोस्तों ई गवर्नेंस में शासन में ई डेमोक्रेसी के क्या लक्ष्य होते हैं? तो सरकार द्वारा निर्णय लेने में सुधार करना ई डेमोक्रेसी का लक्ष्य होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी जो पब्लिक होती है, वो भी अपनी राय जो है ऑनलाइन भेज सकती है। इसके अलावा सरकार में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाना और सरकार के उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में वृद्धि करना। इसके अलावा दोस्तों गैर सरकारी संगठन और व्यापार और सार्वजनिक चुनौतियों को लड़ने के लिए नए मार्गों का खोज करना। इसके बाद में मैं अब आपको ई पंचायत के बारे में बताऊंगा। ई पंचायत एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसके माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से सारे ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है, और ग्राम की सारी योजनाएँ, कितने SC वाले हैं, कितने ST वाले हैं, कितने OBC वाले हैं, कितने जनरल वाले हैं, कितनी गर्भवती महिलाएँ हैं, कितने जवान बच्चे हैं, कितने बूढ़े बच्चे हैं, और ऑनलाइन लोगों का मतदाता सूची में नाम जोड़ना, नाम हटाना, और आयुष्मान कार्ड बनाना, और बाल श्रमिक कार्ड बनाना, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो सभी ई पंचायत की वजह से काफ़ी तीव्र गति से चल रहे हैं, और हमारे देश में बहुत ही जल्दी डिजिटल क्रांति आ रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ई पंचायत को सफल बनाने के लिए जरूरी कदम ये है कि पंचायत स्तर पर हमें इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था होना चाहिए, और वहाँ पे उच्च क्वालिटी का राउटर होना चाहिए या BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, और वहाँ पर
दक्ष व्यक्ति होना चाहिए जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके और इंटरनेट कनेक्शन भी धीमा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका जो होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लोक सेवाओं की जो भूमिका होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो व्यक्ति जो है जो ई गवर्नेंस को परफॉर्म कर रहा है उसे उचित प्रकार से दक्ष होना चाहिए, उसे सारा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारी जो बेसिक जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई है ये मेंस के लिए है और इसे आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा कि जो भारतीय राजव्यवस्था में जो ई गवर्नेंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों, बाकी सारी जानकारियाँ जो है यहाँ पर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और टेक्नोलॉजी का वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैंने आपको सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।